क्लास सिक्स एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर वन फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था फूड वैरायटी इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस के बारे में, जहां हम लोगों ने जाना था कि फूड जो है वह आपके एनिमल और प्लांट से आता है। ठीक है, उसका सोर्स जो है फूड का वह प्लांट एंड एनिमल है। तो आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड विच पार्ट ऑफ ए प्लांट। कहने का तात्पर्य है कि प्लांट एक सोर्स है फूड का। ठीक है, विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, इसके अलग अलग पार्ट को हम लोग खाते हैं। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes steam, even flowers. हम लोग अलग अलग भाग को खाते हैं पेड़ के, है ना। हम लोग किसी के पत्ते खाते हैं, किसी के फल खाते हैं, किसी के जड़ खाते हैं, किसी के तनाएँ खाते हैं, किसी के फूल खाते हैं। How have you ever eaten pumpkin? आपने pumpkin खाया ही होगा, है ना। पम्पकिन के बारे में क्या दिया है, पम्पकिन फ्लावर डीपर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड टाइट। तो पम्पकिन का जो फ्लावर होता है उसको क्या होता है, राइस पेस्ट में डाल करके और उसका उसको फ्राई करके भी खाया था, उसका पकौड़ा बना करके, है ना। पहले वांट टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल। पहले जानना चाहती है कि फूड अलग सोर्स प्लांट और एनिमल के अलावा किसी और चीज़ से भी आता है क्या। जो देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ है, देखिए प्लांट के पार्ट्स को दिखा रहा है। नीचे से शुरू करते हैं, नीचे आपका रूट है, रूट सिस्टम है जिसमें प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है। फिर देखिए बड है, कली है ना। फिर देखिए आपका रूट इंटरनोड है, ये नोड है। ठीक है, इसका लीव है, स्टीम है, फ्रूट्स है। ठीक है, और फिर फ्लावर है। ठीक है, ये आपके नीचे वाले को रूट सिस्टम और ऊपर वाले को शूट सिस्टम कहते हैं। ध्यान रहेगा, आप एक फिगर बना करके, है ना, फिगर में इसको दर्शाएंगे, है ना। ये ऐसे फिगर बना लेंगे, है ना। इसको स्क्रीनशॉट जो है मैं भेज दूंगा ताकि आप उसको बढ़िया तरह से देख करके जैसा इसमें बना हुआ है वैसे बना लेंगे। ये फिगर 1.4 में है। ठीक है, सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल पार्ट्स। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसके कुछ मैंने भाग खाए जाते हैं, लेकिन कुछ के बहुत ज़्यादा भाग खाए जाते हैं और किसी के दो भाग खाए जाते हैं। चना है ना, चना का साग मैंने उसके पत्ते भी खाए थे, उसके फल को भी खाते हैं हम लोग। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज टू वेजिटेबल। जो सरसों होता है, सरसों उसके सीड्स को हम लोग ऑयल के, तेल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका तेल बना दिया जाता है पेर करके, है ना। सरसों के सीड्स का इंग्रेडिएंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मसाले की तरह। और सरसों का पत्ता जो है साग के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। उसी तरह से बनाना जो केला होता है, केले का भी फूल होता है और केले का फल भी होता है। केले के फूल की भी सब्जी लोग खाते हैं और केला तो खैर कच्चा जो है उसकी सब्जी बनती है और पके हुए को हम लोग जो है फ्रूट के रूप में खाते हैं। ठीक है, थिंक ऑफ मोर एग्जांपल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ ए प्लांट पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग को प्रकृति में मिल जाएगी, ऐसे पेड़ पौधे के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्ट एक सिंगल प्लांट के हम लोग खाते हैं। चलिए, तो हम लोग टेबल 1.4 को भी अच्छी तरह समझ लेंगे। ये टास्क के रूप में हमें कंप्लीट भी करना है। इसमें कितनी बातें हैं, इसमें देखिए तीन बातें हैं जिसको ध्यान देना है। फूड आइटम विथ प्लांट एंड द मेजर सोर्स इंग्रेडिएंट सोर्स और प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। चलिए, सबसे पहले ब्रिंजर कैरी है, इसमें ब्रिंजर आ गया, फ्रूट, चिली एज स्पाइसेस फ्रूट, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मस्टर्ड सोयाबीन एनी अदर सीड। ठीक है, इसके बाद देखिए
इसी तरह से आप अलग अलग सब्जी का नाम लिख सकते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स के को आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं और ये बना सकते हैं कि प्लांट के कौन से पार्ट्स हैं ये, ठीक है। चलिए, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ यू आर एडेबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। देखिए यहाँ पर फिगर बना है बूझो और पहेली का। ये पहेली जो है पत्ते को ट्राई कर रही खाने का, तो आसपास जो होने वाले पेड़ पौधे हैं हर एक पत्ता जो है वो खाने लायक नहीं होता है, वो पॉइजनस भी हो सकता है, इसीलिए ऐसा कार्य आप ना करें तो ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही है ना। मेरे ख्याल से ये टेबल जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, टेबल बनाएंगे है ना, और प्लांट के जो पार्ट्स हैं उन्हें आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो जो बनेगी एक्टिविटी 5, ठीक है, एक्टिविटी 5 की बनेगी, ठीक है। और एक्टिविटी 5, चलिए एक्टिविटी 5 ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आज ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। टेक सम ड्राई सीड्स और मूंग और चना है ना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। ये तो घरों पे आपने देखा होगा, चने की सब्जी बननी है तो माता जी क्या करती है कि चने को रात भर छोड़ देती है, पानी में भिंगो देती है, और उसके बाद क्या होता है तो आप जानते हैं, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, वाटर को बहा दीजिए, एंड द लीव एंड द सीड्स इन द वेसल, और रैप कर देना है उसको पीस ऑफ वेट क्लॉथ, इसको गीले कपड़े में बांध देना है, ठीक है, एंड सेट असाइड, ठीक है, इसको एक तरफ बांध के रख देना है। द फॉलोइंग डे, मैंने एक दिन और आपको छोड़ना पड़ेगा। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं। कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, सी इफ द सीड्स आर स्प्राउटेड। देखिए इस तरह का वाइट वाइट स्ट्रक्चर चने में और इस तरह का मूंग में आपको दिखाई पड़ेगा, ये स्मॉल स्ट्रक्चर में भी हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, एक सफ़ेद सफ़ेद कलर का स्ट्रक्चर निकल आएगा जिसको स्प्राउटेड कहते हैं। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, अगर ऐसा नहीं होता है तो बीज को आप पानी से धो दें, ड्रेन द वाटर एंड लीव देन असाइड फॉर अनदर, ठीक है, और उसको फिर से आप एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, वेट क्लॉथ में उसी तरह से रख करके, तो देखिएगा कि इस तरह से स्प्राउटेड निकल जाएगा। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, इसको आप खा सकेंगे। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, इसको बॉयल कर दीजिए, एड सम स्पाइसेस, गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईच, तो ये एक बहुत बढ़िया नाश्ता हो जाएगा आपका शाम का है ना, या सुबह का। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, आपने नीचे क्लास में पढ़ा ही हुआ है कि शहद कहाँ से आती है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये बनते कैसे हैं। हैव यू सीन अ बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा ही होगा, वेयर सो मैनी बीज कीप्स बुजिंग, उसमें गुनगुनाते हुए आपको बहुत सारी मधुमक्खियाँ मिल जाएगी। बीज कलेक्ट्स नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट इंटू हनी एंड स्टोर इन द हाइव, तो मधुमक्खी क्या करती है कि फूलों के रस को जिसको नेक्टर कहते हैं उसको कलेक्ट करती है, फूलों के मीठे रस को, और कलेक्ट करके फिर उसको मधुमक्खी के छत्ते पे रख देती है, और इस प्रकार से वह नेक्टर जो है हनी बन जाता है, ठीक है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, एक साल भर में एक ही समय यह प्राप्त किया जा सकता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो यह जो नेक्टर में जो हनी इस्तेमाल जो इकट्ठा रहता है इसको पूरे साल इस्तेमाल करती है मधुमक्खी। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, हम लोग को जहाँ कहीं भी इस तरह का बीहाइव मिलता है तो हम लोग उससे हनी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग की पढ़ाई होगी, व्हाट डू एनिमल ईट, जानवर क्या खाते हैं, ठीक है, यह हम लोग अगली बार पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, लेकिन इसको शेयर नहीं करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।